फिल्म निर्माण की प्रक्रिया में सबसे अहम रोल होता है फिल्म के निर्देशक का, जो पूरी प्रक्रिया के तमाम छोटे बड़े सिरों को आपस में जोड़ता है, सहेजता है। फिल्म पर्दे पर आने से पहले पूरी की पूरी निर्देशक के जहन में चल चुकी होती है। दोस्तों, आज एक मुलाकात जरूरी है कि खास एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत ही टैलेंटेड, काबिल और राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित निर्देशक मिखिल मुसाले से, जिनकी गुजराती फिल्म रॉन्ग साइड राजू को 2016 की सर्वश्रेष्ठ गुजराती फिल्म घोषित किया गया था और 2019 में इन्होंने बॉलीवुड में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई मेड इन चाइना से। दर्शकों में काफी धूम मचाई थी इस फिल्म ने। तो बने रहिए मेरे यानी सजीव सारथी के साथ, क्योंकि एक मुलाकात जरूरी है फिल्म निर्देशक मिखिल मुसाले के साथ। नमस्कार, यह है रेडियो प्लेबैक इंडिया। रेडियो प्लेबैक इंडिया। रेडियो प्लेबैक इंडिया। रेडियो प्लेबैक इंडिया। नमस्कार मिखिल, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो प्लेबैक इंडिया पर। थैंक यू सजीव फॉर इनवाइटिंग मी। इंटरव्यू शुरू होने से पहले मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगा कि आज के जमाने में इतनी खूबसूरत, इतनी प्लेजेंट, इतनी अच्छी हिंदी सुनने में नहीं मिलती, सो लुकिंग फॉरवर्ड। थैंक यू मिखिल। रॉन्ग साइड राजू ने आपको नाम दिया, पहचान दी, लेकिन जाहिर है ये कामयाबी रातों रात तो नहीं मिली होगी। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि एक सपना देखने से लेकर उसे अंजाम तक पहुंचाने का जो आपका सफर रहा, उसको आप थोड़ा सा ब्रीफ में हमें बताइए। 2017 में इनफैक्ट मुझे मेरी पहली फिल्म के नेशनल अवार्ड मिला और कई बार उस टाइम पे इंटरव्यूज में ये सवाल पूछा गया था जर्नी के बारे में। होता है कि हमारी जर्नी इतनी वेग होती है कि कई बार उस टाइम पे मैं अपनी जर्नी क्रिएट कर रहा था। वी टेंड टू रिकलेक्ट दोस थिंग्स एंड अब पता भी नहीं है कि इसमें कितनी चीजें फिक्शन है कि नॉन फिक्शन है। इतनी सारी चीजें हुई है उसके पहले, स्ट्रगल्स तो नहीं कहूंगा, एवरीथिंग इज अ लर्निंग। और इनफैक्ट मैं काफी लकी था कि मुझे मेरी पहली फिल्म में ही नेशनल अवार्ड मिला। पर उसके पहले एज अ स्टूडेंट आई एम इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। उसके बाद 2010 में हम लोग दो दोस्त मिले थे और हमने तीन दोस्त में मिलके हम लोगों ने कंपनी स्टार्ट की थी, सिनेमा एंड प्रोडक्शंस लिमिटेड, और हम लोग छोटी मोटी एड्स बनाते थे अहमदाबाद में। उस टाइम पे हमारी सोच ये थी कि बम्बई में तो बहुत काम है लेकिन लोग भी बहुत है, सो क्यों ना गुजरात में हम जहाँ पे जो हमारी मातृभाषा तो नहीं है पर अ प्लेस वेयर आई हैव बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप, क्यों ना हम वहाँ पे जाएं और कुछ ट्राई करें फिल्में बनाने का। सो 2010 में हमने कंपनी स्टार्ट की छोटी मोटी एड्स से और फिर वहाँ से एक जर्नी शुरू हुई खुद की कंपनी को लेके, छोटी मोटी एड्स बना के फिर हमने गुजराती फिल्म बनाई। इट वॉज क्वाइट मार्जिनली वेल रिसीव्ड। इट वॉज कॉल्ड केवरी तेजश। फिर 2014 में दो दोस्तों के बारे में हमने कहानी करी थी, बेयार करके हमारी फिल्म आई थी जिसे काफी अच्छा रिसेप्शन मिला था, जो मेरे पुराने पार्टनर अभिषेक जैन उन्होंने डायरेक्ट की थी एंड आई वॉज एसोसिएट डायरेक्टर इन दैट फिल्म। ये 2014 की बात है। और उसके बाद फिर मैं कंपनी में एड्स डायरेक्ट कर रहा था और वी ऑल वर क्वाइट यंग, प्रोबेबली ट्राइंग टू लर्न, नॉट दैट एक्सपीरियंस्ड। तो फिर वहां से जर्नी स्टार्ट हुई रॉन्ग साइड राजू को लिखने की, उसे कंसीव करने की, एंड फॉर्चुनेटली दैट आल्सो वेंट क्वाइट वेल। सो बाय एंड लार्ज थिंग्स वर गुड टिल 2016-17। ओके, तो गुजराती आपकी मातृभाषा नहीं है, तो आपकी फिर मातृभाषा कौन सी है और गुजरात में आपका पालन पोषण कैसे हुआ? नहीं, इनफैक्ट 30-35 साल पहले फादर की जॉब लगी थी अहमदाबाद में, इस वजह से वी आर महाराष्ट्रियंस, पर सिंस देन अहमदाबाद हैज बीन माय प्लेस। इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पे आपकी स्कूलिंग और आप कॉलेज करते हो तो वही जगह आपके लिए दैट बिकम्स योर हार्ट लैंड। सो अहमदाबाद इज माई हार्ट लैंड, it is my karma bhumi, anything you can say, everything, my college, my school, my work has started here, that's the reason. In fact meri dusri film thi uske andar hindi film ke andar bhi humne ahmedabad ko try kiya hai explore karne ka, gujarati culture ko explore karne ka. I know gujarati is very very well because it feels like family now in this city. जी, मेड इन चाइना में भी आपने परिवेश पूरा गुजरात का ही रखा था, जो बहुत ही रिफ्रेशिंग था देखने में भी। एक बात मुझे और बताइए कि आपकी फिल्म को जो राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और साथ ही
एक और फिल्म थी हेलारो, जिसको भी काफ़ी अच्छा सराहा गया, बहुत उसको भी पुरस्कार मिले और बहुत ही बढ़िया फिल्म थी वो भी, रॉन्ग साइड राजू की तरह। तो इन दो फिल्मों की वजह से आपको लगता है कि गुजराती फिल्म का एक बहुत बड़ा कैनवस बिछ गया है हमारे रीजनल फिल्म के एरिया में, या कह लीजिए कि गुजराती फिल्म जो है बहुत तेज़ी से आगे आए हैं और अच्छी फिल्में अब बनने लगी हैं। तो आपको लगता है कि ये इसमें रॉन्ग साइड राजू का और आपका भी कंट्रीब्यूशन है? इनफैक्ट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आइडिया यही था कि जो चीज़ें हम ये धरती से सीखे हैं, जो चीज़ें हम यहाँ से सीखे हैं, द आइडिया वॉज टू गिव बैक टू दैट दोज थिंग्स टू द मदरलैंड एंड टू द पीपल। इनफैक्ट रीजनल फिल्मों का भी अपना एक चार्म होता है, लैंग्वेज के लेके, कल्चर को लेके, लोगों को लेके, वो चीज़ें, वो जो मज़ा है उस चीज़ का, वो आई थिंक सो हिंदी फिल्मों में आजकल नहीं दिखता है, बिकॉज रीजनल फिल्म्स आर मोर कोलोक्वियल। आई थिंक दे इज समथिंग अबाउट इट। सो इनफैक्ट रॉन्ग साइड राजू और हेलारो के बीच में भी दो फिल्मों को नेशनल अवार्ड मिला है। सो वी आर क्वाइट हैप्पी कि गुजराती फिल्में भी अभी उस डायरेक्शन में जा रही है जिस तरह मलयाली सिनेमा जिस तरह इवॉल्व हुआ है, मराठी सिनेमा जिस तरह इवॉल्व हुआ है। सो द आइडिया वॉज ऑलवेज दैट try to at least go in that direction. अब हम कोशिश जारी है, obviously सब इंडस्ट्री में कुछ फिल्में बहुत अच्छी बनती हैं, कुछ फिल्में नहीं चलती है, so we still have long way to go, but I am quite hopeful कि ऐसे बहुत सारे makers अब गुजराती फिल्में बनाना चाह रहे हैं, इनफैक्ट बना रहे हैं, और एक यंग स्पिरिट, एक यंग मोटिवेशन दिख रहा है, क्योंकि पिछले बहुत सालों से जिस तरह की फिल्में शायद लोग देखना चाहते हैं वैसी बन नहीं रही थी, तो ये सब फिल्मों के बाद वैसी टाइप की फिल्में बनना शुरू हुई है, तो एक वेव तो डेफिनेटली क्रिएट हो चुकी है, एंड लेट्स सी, आई एम क्वाइट होपफुल। एंड काफ़ी लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि बिकॉज हिंदी फिल्म कर ली अभी तो शायद आप गुजराती फिल्म बनाना नहीं चाहेंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट फॉर मी इट्स ऑलवेज अबाउट द स्क्रिप्ट and about the intent that what are we trying to do with that script. So in fact lockdown ke darmiyan aise bahut sare subjects, aise bahut sari kahaniyan explore karne ka samay bhi mila hai, sabhi logon ko in fact bahut kuch sochne ka mauka mila hai. I am quite looking forward, dekhte hain kis tarah bhi aage journey le jati hai, aur definitely main gujarati film badi big budget gujarati film aage banana chahunga. That has always been the intent. जी निखिल, आपने बजट की बात करी, और जहाँ तक मैं समझता हूँ रॉन्ग साइड राजू में आपने बहुत सारा बॉलीवुड भी आप गुजराती फिल्मों में लेकर आए, लाइक सचिन जिगर का इसके अंदर संगीत था, अरिजीत सिंह ने गाने गाए थे इसके अंदर, विशाल डडलानी ने गाने गाए थे, तो एक आपने इसको एक कैनवस बड़ा तो दिया ही दिया, साथ में कह सकते हैं कि आपने एक उस उद्देश्य से कि ये फिल्म जो है मास ऑडियंस तक पहुंचे, उसके लिए आपने कोई कोर कसर उसके अंदर छोड़ी नहीं। थोड़ा सा इस फिल्म की डिटेलिंग बताइए हमें कि ये फिल्म आपने लिखा शायद कि ये रियल इंसिडेंट पे बेस्ड था, तो किस तरह का वो इंसिडेंट था और कैसे आप उस फिल्म को बनाने के लिए इंस्पायर हुए? मैं काफ़ी खुश हूँ इनफैक्ट 4 साल बाद भी हम ये फिल्म के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इनफैक्ट ये फिल्म अभी फिर से वापस लोगों तक पहुंचने का और एक रीज़न ये भी है कि फिल्म के जो लीड एक्टर है प्रतीक गांधी, उनकी जो लास्ट ईयर वेब सीरीज आई थी स्कैम, उसे भी काफ़ी सहारा गया था। तो आई थिंक रॉन्ग साइड राजू प्रतीक की वन ऑफ दोज इनिशियल फिल्म्स थी। सो रॉन्ग साइड राजू को लेके इनफैक्ट हम इंटेंट वाइज और कहानी वाइज तो एक सिंपल थ्रिलर थी जो बेस्ड थी, एक ट्रू इंसिडेंट हुआ था अहमदाबाद में, एक हिट एंड रन एक्सीडेंट हुआ था जो इनफैक्ट काफ़ी गुजराती इसको पता है उसके बारे में, वो हिट एंड रन काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शल हुआ था जिस तरह से, सो इट वॉज लूजली बेस्ड ऑन दैट, बट ऑफकोर्स एक फिल्म में और बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे किरदार होते हैं, तो इस फिल्म को लेके हमें इनफैक्ट काफ़ी लोगों ने एक्यूज़ भी किया था कि क्या ये एक बॉलीवुड फिल्म बनाने का अटेम्प्ट है गुजराती में। ऐसा अटेम्प्ट नहीं था, पर हम डेफिनेटली चाहते थे कि फिल्म को जितना हो सके ट्रैक्शन मिले, ना कि सिर्फ गुजरातीज बट इवन नॉन गुजरातीज भी फिल्म देखे। इनफैक्ट ये फिल्म के बहुत सारे फैंस जो है वो नॉन गुजरातीज भी रह चुके हैं, बिकॉज उसकी जो कहानी है, उसका जो अपील है, वो बहुत यूनिवर्सल है, इट हैज़ नथिंग टू डू विद लैंग्वेज, बट ऑफकोर्स देर इज लॉट ऑफ कोलोकियलनेस इन टू इट, देर इज लॉट ऑफ अहमदावदीनेस इन टू इट,
इनफैक्ट रोंगसा राजू के बारे में बात करते यही लगता है कि कब ऐसा मौका मिलेगा कि हम इस तरह की फिल्म फिर से बना पाए और इस तरह लोगों तक पहुंच पाए। क्योंकि जब एक, मैं ऐसा पर्सनली मानता हूं कि जब एक अच्छी फिल्म बनती है, जब प्रतीक गांधी जैसे एक्टर, अरिजीत सिंह, विशाल डडलानी, इनफैक्ट आसिफ बसरा वॉज देयर एंड मेनी सच एक्टर्स, तो बहुत सारे लोगों को फायदा होता है उस फिल्म के वजह से, सन्नाही संगीतकारों को, एक्टर्स को, असिस्टेंट्स को, राइटर्स को, वो फिल्म के वजह से बहुत लोगों को फायदा हुआ है और उस चीज़ से मुझे बहुत खुशी मिलती है दैट इनफैक्ट वो एक फैमिली जैसा है। अब जब कहते हैं ना कि जब फैमिली में कोई एक लड़का जब या एक लड़की जब एजुकेट होता है तो वो पूरी फैमिली की लाइफ बदल जाती है। So in fact, Rongsar Raju as a film has been like that. It is still a strong showreel for many of us, and it is also because of their endless contribution. ये फिल्म में जितने भी लोगों ने काम किया है, ये बहुत दिल लगा के काम किया था, अपनी फिल्म मान के काम किया था, इस वजह से इस ये फिल्म आज के दिन भी लोग बात कर रहे हैं और यहाँ तक पहुँची। होता है कि एज एन आर्टिस्ट ऑल्सो जब आपकी जो इनिशियल प्रोजेक्ट्स होते हैं आप बहुत ज़्यादा पैशनेटली करते हैं, इनफैक्ट आप उसमें 4 से 5 गुना ज़्यादा मेहनत लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अभी मेहनत नहीं करते, पर उस टाइम जो वो इनिशियल फिल्म में जो जुनून था, जो कम पैसों में चीज़ें अरेंज करने का जो पैशन था, रात रात भर ब्रेनस्टॉर्म करने का जो पैशन था, शायद मैं कहूँगा कि उस एनर्जी में डेफिनेटली कमती आई है। तो मैं चाहूँगा कि उस वो एनर्जी फिर से मैं रिक्रिएट कर सकूँ, ऐसी टीम फिर से बना सकूँ, वो सब लोग जो जुड़े थे वो फिल्म में उन्हें किसी तरीके से वाला सकूँ। मैं मिस करता हूँ वो एनर्जी को, और इनफैक्ट ये सभी डायरेक्टर्स इस चीज़ को अग्री करेंगे कि उनके जो इनिशियल प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो इनिशियल फिल्म होती है, दैट्स वाई दे आर स्पेशल, बिकॉज देर इज अ सर्टन अमाउंट ऑफ इनहेरेंट इनोसेंस इन इट, देर इज सर्टन अमाउंट ऑफ वार्म्थ इन द क्रू। फिर होता है क्या है कि क्रू काफ़ी लोग उसमें से फेमस हो जाते हैं, काफ़ी लोग बड़े हो जाते हैं, कई बार ईगो इश्यूज आते हैं, हमारे यहाँ नहीं आए अभी तक, पर फर्स्ट फिल्म्स एंड इनिशियल फिल्म्स आर डेफिनेटली वेरी स्पेशल। यस निखिल, हाँ प्रतीक जो है एक बड़ा रीज़न है, प्रतीक गांधी जो है जो स्कैम 1992 से बहुत घर घर में पहचाने जाने लगे हैं, तो डेफिनेटली वो एक बड़ा रीज़न है फिल्म को एक मास प्रमोशन मिलने का। पर मुझे लगता है कि फैंटम फिल्म्स भी आपके साथ जो जुड़ा है वो भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था। हाँ इनफैक्ट उस टाइम पे हमें सपोर्ट की ज़रूरत थी फिल्म को प्रमोट करने के लिए, जितना हो सके फिल्म को पहुंचाने के लिए। सो इट वाज वेरी एंकरेजिंग कि फैंटम फिल्म्स जिन्होंने पहले रीजनल फिल्म प्रोड्यूस नहीं की थी वो भी जुड़े थे एज अ को प्रोड्यूसर, और अनुराग कश्यप थे उस टाइम पे हमारे प्रोड्यूसर्स, उन्हें भी उनसे भी काफ़ी क्रिएटिव इनपुट हमें मिला था। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आपका इंटेंट सही होता है, जब आप सही चीज़ करना चाहते हो, तो लोग अपने आप जुड़ जाते हैं और अच्छी चीज़ें होने लगती है। तो किसी चीज़ का प्लानिंग नहीं किया था, इनफैक्ट एक के बाद एक चीज़ें होने लगी। और इसी तरह आई थिंक सो जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो इनफैक्ट अच्छी फिल्म बन जाती है, उसका प्रोसेस ट्रैक करोगे तो वो प्रोसेस बहुत ही ऑर्गेनिक होता है, नथिंग इज़ प्लान्ड, बट एक से दो चीज़ बन जाती है, 2 से 4 चीज़ बन जाती है, 4 से 8 चीज़ बन जाती है, और अपने आप लोग जुड़ने लगते हैं बिकॉज अच्छी चीज़ें, अच्छी एनर्जी आई थिंक सो मैग्नेट जैसी होती है, एंड इट स्टार्ट्स गेटिंग राइट काइंड ऑफ पीपल, लाइक माइंडेड पीपल टुगेदर। सो आई थिंक द जर्नी ऑफ रोंगसर राजू इज डेफिनेटली गोइंग टू बी वेरी मेमोरेबल अलॉन्ग विद प्रतीक गांधी, फैंटम फिल्म्स एंड एवरीवन एसोसिएटेड विद दिस फिल्म। आपकी पहली हिंदी फिल्म मेड इन चाइना और रॉन्ग साइड राजू में अगर हम देखें तो बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं, लाइक अगर मैं बात करूं कि दोनों फिल्मों के जो टाइटल्स हैं वो इंग्लिश में हैं, और दोनों ही फिल्में एक यंग मैन की बात करती हैं जो बिजनेस तो करना चाहता है लेकिन उसके पास पैसों की कमी है, और दोनों ही फिल्मों में आपने एक फॉरेन कनेक्ट भी रखा है, और अगर मैं स्क्रीन प्ले की बात करूँ तो वो भी बहुत सिमिलैरिटीज़ आप देख सकते हैं, लाइक एक बड़े इंसिडेंट से आपने शुरू किया, देन फिल्म फ्लैशबैक और प्रेजेंट टाइम में टॉगल करती रहती है, तो ये आपका एक पैटर्न सेट है। सजीव जी, आई एम सो हैप्पी आपने ये मुझे क्वेश्चन पूछा, इनफैक्ट आई एम सो हैप्पी कि आपने चीज ऑब्जर्व करी। यस आई थिंक सो ये पैटर्न है, और ये पैटर्न बिल्कुल भी प्लान नहीं है। इनफैक्ट ये बहुत सारे मेकर्स के साथ होता है कि आप उनकी फिल्में देखेंगे तो एक सिग्नेचर थीम्स कॉमन होती है, कुछ कैरेक्टर्स कॉमन होते हैं, काफ़ी सारी बात जो होती है
जैसे कि इम्तियाज अली की फिल्मों में आप देखोगे कि जर्नी बहुत ही कॉमन चीज रही है, तो इस तरह आई थिंक सो ये चीजें प्लान नहीं की थी, पर ये आई थिंक सो चीजें डीप डाउन शायद मेरे अंदर थी। और जब भी मैं कैरेक्टर्स लिखता हूँ, जब भी अपनी कहानियां लिखता हूँ, तो इनहेरेंटली अपने आप वो बाहर आ जाती है। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ, एज अ मेकर आप कितना भी कुछ देख लो, कितना भी कुछ सुन लो, पर अगर आप ऑनेस्ट हो आपके क्राफ्ट से, तो जो आपके अंदर है वो बाहर आ ही जाएगा, इन फॉर्म ऑफ इमोशन, इन फॉर्म ऑफ अ सॉन्ग, इन फॉर्म ऑफ डायलॉग्स और आपके कैरेक्टर्स। क्योंकि हम जो सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, हम भी एट द एंड वही बताते हैं, और जो चीज़ें हमें खुद अपील की है उसी चीज़ को हम प्रेजेंट करते हैं। सो डेफिनेटली बहुत सारी, इनफैक्ट एक एडिट जो पैटर्न है वो भी बहुत सिमिलर है दोनों फिल्मों का। दोनों फिल्मों में एक अंडरडॉग स्टोरी है। आई थिंक सो मे बी आई हैव बीन अंडरडॉग ऑल माई लाइफ, सो कहीं ना कहीं वो चीज़ें वहाँ से आ जाती है। Yes, an actress from not from India, that has also been a common element. दोनों फिल्म का म्यूजिक मैं कहूँगा सिमिलर नहीं है, पर आप देख सकते हैं कि यू कैन फाइंड सम टेक्सचर, बिकॉज मैं अपने फिल्मों में फोक म्यूजिक यूज़ करना पसंद करता हूँ। इनफैक्ट पहली फिल्म में गरबा यूज़ किया था, दूसरी फिल्म के अंदर भी हमने गुजराती फोक यूज़ करने का ट्राई किया है। मेड इन चाइना को लेकर इनफैक्ट हिंदी फिल्मों के अंदर ऐसा हमेशा से लोग कहते थे कि गुजराती कल्चर को या लैंग्वेज को थोड़ा कैरिकेरिश कर देते हैं, ठीक से यूज़ नहीं करते हैं। तो एज ए गुजराती मेकर आई वॉन्टेड एटलीस्ट हमारी फिल्म में एसेंट को लेके और फिर डायलेक्ट को लेके कोई ये चीज़ ना कहें। तो हमने ट्राई किया उसे जितना हो सके नेचुरल करने का, ओवरडू करने का या ओवर एक्ट करने का हमारा बिल्कुल इंटेंशन नहीं था। बट येस, यू आर राइट, देर आर लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज इन बोथ द फिल्म्स। जी निखिल, और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें मैंने नोट करी जो मुझे लगता है कि आपने एक फिल्म में काफ़ी सारी चीज़ें आपने उसके अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, लाइक एक कपल का साथ में बैठ के सिगरेट पीना, राइट, एंड देन देर इज़ अ मोटिवेशनल गुरु जो कि गजराज राव ने प्ले किया है, बहुत ही बढ़िया पंचेस हैं उनके भी, और परेश रावल तो जो किरदार आपने उसके अंदर गढ़ा है वो मुझे तो बहुत ही कमाल का लगा। उनका एक एक संवाद जो है वो एक MBA लेक्चर की तरह लगता है। तो ये मुझे लगता है काफ़ी सारी चीज़ें आपने इस फिल्म के माध्यम से, एक फिल्म के माध्यम से कह डाली हैं। इनफैक्ट अगर मैं बहुत ऑनेस्टली कहना चाहूँ आपको, तो जब एक फिल्म इन टोटैलिटी वर्क करती है तब उसकी सभी चीज़ें वर्क करती है। जैसे आपने ये कैरेक्टर्स के बारे में किया बताया, इनफैक्ट शायद से लोगों ने ये कैरेक्टर्स के बारे में अभी ऑब्जर्व नहीं किया कि हो सकता है कि वो फिल्म इन टोटैलिटी वो लेवल पे वर्क ना की हो मेड इन चाइना को लेके। सो इनफैक्ट ये दोनों कैरेक्टर्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग मेरे लाइफ में एक एक्सपीरियंस था, जिससे मुझे लगा कि दोनों कैरेक्टर्स हमारे फिल्म में होने चाहिए। सो जो परेश रावल का कैरेक्टर, उसका नाम था तन्मय शाह, वो एक ऐसे मेंटर की तरह आते हैं प्रोटैगनिस्ट के लाइफ में, जिससे उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। सो इनफैक्ट मुझे याद है, मैं पोलैंड से वापस बॉम्बे आ रहा था, और मेरे बाजू में देयर वाज अ गाय, अ बिजनेसमैन, प्योरली सूटेड बूटेड, और हम लोगों की बातें शुरू हुई और वो मुझे इकोनॉमिक्स के बारे में समझा रहे थे, और हमारी बहुत सारी बातें हुई, इनफैक्ट काफी इंटेलेक्चुअल बातें, फाइनेंस रिलेटेड बातें जो मुझे समझ में नहीं आती। जब हम लैंड हुए तब मैंने उनको एंड में पूछा कि सर आप करते क्या हैं, मतलब आपका काम क्या एग्जैक्टली, वेरी पॉलिश्ड गाय, और उन्हें बताया कि मैं जो बालों में बक्कल लगता है बक्कल बेचता हूँ, बक्कल बनाता हूँ। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था कि, एंड अगेन वो गुजराती थे। ऐसा एक दूसरा एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ था कि मैं अगेन कोई अमेरिका में या पोलैंड में ही कहीं पे लॉबी में बैठा था, और हमारी रैंडमली बात हुई एक इंसान के साथ, एंड ही सीम टू बी क्वाइट आई थिंक सो अ बिग बिजनेसमैन। सो मैंने बताया उनको इंडिया के बारे में एंड अबाउट द इंटरनेट और किस तरह डिजिटल इवॉल्व हो रहा है, और मैं बहुत ही फॉन्डली उन्हें फ्लॉन्ट कर रहा था मेरा नॉलेज। और जाते वक्त मैंने पूछा उनको कि आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं। सो ही वॉज बेसिकली सम गूगल एशिया पैसिफिक हेड, और मैं उनके सामने ये सब कुछ बोल दिया। सो ये सब एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वहीं से ये कैरेक्टर्स आते हैं। और इनफैक्ट जो गजराज राव का कैरेक्टर था मोटिवेशनल स्पीकर, मुझे मोटिवेशनल स्पीकर पर्सनली बहुत ही इंटरेस्टिंग लगते हैं। इनफैक्ट जो वो बातें कहते हैं स्टेज के ऊपर बहुत इंस्पायरिंग होती है, पर हर बार वो अपने रियल लाइफ में शायद इतने रियल नहीं होते। मेरे भी एक ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर बहुत अच्छे दोस्त रह चुके हैं, और जिस तरह वो स्पीच देते हैं बहुत इंस्पायरिंग होती है, पर जैसे आप उनको स्टेज में मिलोगे पीछे, सो देयर इज अ कंप्लीट स्प्लिट पर्सनालिटी, एंड दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो
the attempt was not to basically paint anyone gray. It was about just showcasing interesting characters, you know. So ये सब चीजें personal experiences के through ही आई है हमारी कहानी में. That's so funny, Nikhil. अच्छा एक सीन और है जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा. वो मुझे नहीं पता कि वो इंटेंशनली आपने किया या बाई चांस हुआ या जो भी है. आप बताइए कि आपने उसको सोच समझ के किया या नहीं. दरअसल दो सीन हैं जहाँ पे छत के ऊपर डिस्कशन कर रहे होते हैं बोमन ईरानी और राजकुमार राव. तो उनके बगल में एक होटल होता है जिसका नाम होता है पेनिनसुला. तो उसके अंदर जो है एक यू मिसिंग होता है फर्स्ट टाइम जब वो मीटिंग कर रहे होते हैं. तो दैट उस टाइम जो सिचुएशन होती है फिल्म की वो उस नाम को सजेस्ट कर रहा होता है. एंड देन लास्ट में जब उनकी मीटिंग होती है तब वो पूरा नाम ही जो है निकल चुका होता है वहाँ से. सिर्फ पी शायद रह जाता है. तो ये इंटेंशनल था या बाई चांस हुआ? साजिद जी ये एब्सोल्युटली इंटेंशनल था. आज के ज़माने में ऐसे कोई बोर्ड्स नहीं होते जो ब्लिंक करके इस तरह का कुछ मतलब निकाले और फिर अपना बंद हो जाए. तो ये इनफैक्ट प्रोडक्शन डिजाइनर्स को ब्रीफ दी रखी थी कि ऐसी होटल का नाम चूज कीजिए जिसकी अगर एक दो लाइट बंद हो जाए तो उसका बहुत ही इस तरह का मतलब निकले जो मैं बोल नहीं सकता अभी आपके स्टेशन के ऊपर आपके चैनल के ऊपर. लेकिन बट आई एम सो हैप्पी आपने ये चीज़ ऑब्जर्व करी. ये चीज़ें इनफैक्ट ये क्वेश्चंस मुझे पहले पूछे नहीं गए हैं. शायद से आपको ये फिल्म उस लेवल पे अपील की हो. वी वर ऑलवेज होपिंग कि इस तरह के क्वेश्चंस हमें पूछे जाते. जैसे मैंने कहा कि अगर व्हेन अ फिल्म हैज टू अपील इट हैज टू हैपन अपील इन टोटैलिटी. और इनफैक्ट जो बमन ईरानी का कैरेक्टर है डॉक्टर वर्दी का वो कैरेक्टर को लेके भी हमें काफ़ी इंस्पिरेशन मिली. इनफैक्ट उस टाइम पे हम लोग डॉक्टर महिंद्रा वत्सा को काफ़ी मिल रहे थे बिकॉज हिज कैरेक्टर वॉज कम्प्लीटली इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम. महिंद्रा वत्सा इनफैक्ट अभी उनकी कुछ महीनों पहले डेथ हुई. ही वॉज 94 व्हेन वी वर मीटिंग हिम एंड ही यूज टू राइट फॉर मुंबई मिरर दो सेक्स कॉलम्स. एंड हम लोग उनसे मिलके इतना इंस्पायर हुए बिकॉज एट 94 हिज हार्ट वॉज सो यंग. देर वॉज सॉन्ग प्लेइंग इन हिज हार्ट ऑल द टाइम. एंड आई थिंक वो एक रॉक स्टार थे जो इस उम्र में भी काम करते थे इस तरह के फनी आंसर्स देते थे. उनके इनफैक्ट आज के ज़माने में भी इतना उनका ह्यूमर स्ट्रांग था. सो इनफैक्ट हम उनको मिलने गए थे रियल प्रॉब्लम्स जानने में थ्रू उनके पेशेंट इंट्रैक्शन. उनका 45 ईयर्स का एक्सपीरियंस था. पर मोर देन दैट हम इंस्पायर हो गए उनके पर्सनलिटी ट्रेट को लेके. हमें लगा कि एक 94 ईयर्स के अंदर भी एक इंसान इतना खुश इतना इतना अमेजिंग कैसे हो सकता है. सो वो चीज़ें हमने ट्राई करी बमन ईरानी के कैरेक्टर में डालने को. ऑफकोर्स इट वॉज अ फिक्शनल कैरेक्टर बट वॉज ओनली पार्शली बेस्ड आउट ऑफ हिम. बट या थैंक यू फॉर बोथ द ऑब्जर्वेशन. जी निखिल मुझे फिल्म बहुत ही अपीलिंग लगी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी और इसके बाद ही मैंने इनफैक्ट रॉन्ग साइड राजू देखी. और मजे की बात यह है कि फिल्म मैंने करीब 5-6 महीने के बाद देखी इसके रिलीज के. तो उसका रीज़न ये रहा कि जो आपका टैगलाइन थी इंडिया का जुगाड़ वो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था. तो जो ट्रेलर था जो या जो कहें मुझे थोड़ा सा मिसलीडिंग सा लगा. जो फिल्म है वो काफ़ी अलग है जो ट्रेलर में दिखाया गया था और बहुत बहुत अच्छे लेवल की है उस ट्रेलर के हिसाब से. तो मुझे ये दुख है इस बात का कि मैंने इस फिल्म को बहुत देर में देखा. तो लेकिन मुझे बताइए कि रॉन्ग साइड राजू आपने गुजराती में बनाई और मेड इन चाइना आपने हिंदी में बनाई. तो विच वॉज मोर डिफिकल्ट टू हैंडल मतलब एग्जीक्यूट करने के हिसाब से देखा जाए तो कौन सी डिफिकल्ट रही आपके लिए ज़्यादा? आई थिंक रीजनल फिल्मों हिंदी फिल्मों कोई भी फिल्मों उसका प्रोसेस बहुत ही सेम होता है. उसे बनाने का जो स्किल होता है वो भी सेम होता है. आई थिंक सो एक वो एक टाइप एक वो मंच होता है उसका ही डिफरेंस है. आप एक गली में परफॉर्म कर रहे हो या फिर एक स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हो या फिर एक नेशनल टीवी पे परफॉर्म कर रहे हो फर्क उतना ही है. रीजनल फिल्म में क्रू स्ट्रेंथ होता है 60-70 लोगों का. हिंदी फिल्म के अंदर क्रू बढ़ जाता है 250-300 लोग होते हैं. ज़्यादा लोग हो जाते हैं चीज़ें ज़्यादा द स्टेक्स आर हायर प्रॉब्ली बजट्स थोड़े बढ़ जाते हैं. तो आप पे प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होता है बॉक्स ऑफिस को लेके क्रिटिकल अक्लेम को लेके लोगों को लेके. और ये सब चीज़ें हमारे मन में होती है जो आइडियली नहीं होनी चाहिए. एज अ मेकर आप यू जस्ट हैव टू मेक व्हाट यू बिलीव इन. पर वो कहना आसान है इतना होता नहीं है. स्पेशली आपकी पहली फिल्म होती है आप पे आपका इनफैक्ट लोग तो आपका खुद का प्रेशर होता है. सो बट प्रोसेस को लेके आई थिंक सो आई गॉट अ वेरी गुड टीम. आई वॉज वेरी लकी विद वेरी गुड एक्टर्स. सो नथिंग टू कंप्लेन. आई लाइक टू डू थिंग्स वेरी ऑनेस्टली एंड विद नो फस. एंड मुझे भी ऐसे टाइप के लोग ही मिल जाते हैं जो इस चीज़ में बिलीव करते हैं. और इनफैक्ट मुझे एक्टर्स ही बहुत अच्छे मिले इनफैक्ट दोनों फिल्म को लेके. इनफैक्ट मुझे डर लगता है कि मैं स्पॉइल्ड हो चुका हूँ बहुत अच्छे एक्टर्स को लेके. बीट प्रतीक गांधी राजकुमार राव मुझे गजराज राव
परेश रावल, बमन ईरानी, हमेशा अच्छे एक्टर्स मिले, तो मुझे ये भी नहीं पता कि हाउ टू डायरेक्ट दोज एक्टर्स प्रोबेबली हुम आई एम नॉट सो फॉन्ड ऑफ, सो दैट इज गोइंग टू बी ट्रिकी, बट यस आई थिंक सो द प्रोसेस इज मोर लेस इज द सेम. निखिल एक बात और बताइए कि आपके पास जो राइटर्स होते हैं वो बहुत बड़ी टीम में होते हैं, तो इतने सारे राइटर्स को आप कैसे हैंडल करते हैं? बिकॉज मोस्टली जो राइटर्स होते हैं बड़े क्रिएटिव लोग होते हैं और हर कोई अपना एक अलग ही नज़रिया आपको देगा, तो इतने सारे लोगों को आप कैसे हैंडल कर लेते हैं? ये चीज़ प्लान नहीं थी. मेड इन चाइना वॉज बेस्ड ऑन अ नॉवल बाय परिंदा जोशी, जो मुझे 3-4 साल पहले मिली थी एक इवेंट में, और उनकी नॉवल बहुत पसंद आई थी मुझे, जो उसका नाम था टाइगर इन द सूप, विच वॉज अगेन अबाउट अ गुजराती बिजनेसमैन. और फिर हमने उनकी नॉवल अडप्ट करी. फिर मेरे को राइटर है करण व्यास, जो अभी काफ़ी सारी फिल्में लिख रहे हैं, जो स्कैम 1992 के डायलॉग्स भी लिख चुके हैं. सो वो भी मेरे साथीदार हैं और हम लोग काफ़ी फिल्में साथ में लिखते हैं. सो परिंदा, करण एंड मी वर ऑब्वियस चॉइस. पर फिर हम लोगों ने इसे 1-1.5 साल डेवलप किया और हमें लगा कि अभी भी पंच नहीं आ रहा है, जो इस तरह के डायलॉग्स चाहिए हमें नहीं मिल रहे हैं. तो हमारे चौथे राइटर है नीरेन भट्ट, जो भी राइटर थे रॉन्ग साइड राजू में, जिन्होंने अभी इनसाइड एज, बाला, ये सब फिल्में लिखी है इवेंचुअली. तो ये हम लोगों की टीम है. कई बार इनफैक्ट वी जस्ट लव ईच अदर्स कंपनी. सो कई बार लगता है कि हम इनको प्रोजेक्ट में नहीं लेंगे, फिल्म में नहीं लेंगे, तो शायद से कुछ इनकम्प्लीट रह जाएगा. इनफैक्ट अभी मैं हमारी नेक्स्ट फिल्म दोनों के साथ नहीं कर रहा हूँ, और मैं वही चीज़ महसूस कर रहा हूँ कि हाउ मच आई एम मिसिंग देयर कंपनी. कई बार होता है कि कुछ प्रोजेक्ट में शायद इतने राइटर्स की जरूरत नहीं होती है. सो ये सभी लोग क्लोज हैं, दोस्त हैं, बहुत झगड़ते हैं हम लोग, इनफैक्ट बहुत हीटेड डिस्कशंस होते हैं. बट एट द एंड ऑफ द डे दोस्तों के साथ काम करने का, इनफैक्ट उन लोगों के साथ काम करने का जिनके साथ आपकी क्रिएटिव वेवलेंथ मैच होती है, फिर वो काम नहीं लगता है, फिर इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ. सो दैट इज द रीजन मेड इन चाइना में 4 राइटर्स है. वो प्लान नहीं थे, पर इनफैक्ट वो हो गए. ओके निखिल, तो अभी नेक्स्ट हम लोग क्या उम्मीद करें कि कब तक आपका कोई नेक्स्ट प्रोजेक्ट आएगा और किस तरह का सब्जेक्ट होगा, क्या होगा, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए. पैंडेमिक में सभी मेकर्स और सभी क्रिएटिव लोगों को काफी मौका मिला है अपनी क्रिएटिव चॉइसेस को अलाइन करने का, एसेस करने का, ये चीज़ें ऑब्जर्व करने का कि कौन सी चीज़ें हमें अपील करती हैं, कौन सी चीज़ें मैं पर्सनली अच्छा हूँ. सो काफ़ी समय मिल गया. इनफैक्ट मेरी 2 स्क्रिप्ट्स हैं जिन्हें मैं अभी परसीव कर रहा हूँ. दोनों ही स्क्रिप्ट थ्रिलर है, दोनों ही स्क्रिप्ट रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड है. इनफैक्ट एक चीज़ मुझे रियलाइज हुई पैंडमिक में अबाउट दोज थिंग्स विच आई नॉट गुड एट, आई डोंट वॉन्ट टू डू. नॉर्मल लाइफ में आई थिंक सो इतनी भाग दौड़ थी, इतना रैट रेस था कि कई बार हम अपनी खुद की आवाज़ सुन नहीं पाते या सुनने का टाइम नहीं मिलता है. तो पैंडेमिक में डेफिनेटली ये चीज़ बहुत क्लियर हो गई कि क्या कौन सी चीज़ें मुझे नहीं करनी है. बिकॉज एज दिस सी दैट इट्स यू आर ऑल अबाउट योर चॉइसिस एंड द चॉइसिस विच यू मेक इन द लाइफ. सो थ्रिलर्स इज समथिंग विच इज़ माई फर्स्ट लव, एंड टू मोर ऑफ दैट इफ देर इज अ स्ट्रॉन्ग मैसेज और अ स्ट्रॉन्ग सोशल कॉमेंट्री टूवर्ड्स इट, इवन बेटर. सो ऐसा एक सब्जेक्ट है जो मैं और इनफैक्ट परिंदा जोशी, जो हमारी पहले वाली फिल्म में राइटर और नॉवेलिस्ट थी, हम लोग डेवलप कर रहे हैं. फिल्म के बारे में ज़्यादा बता नहीं पाऊँगा बिकॉज ऑफ कोर्स ये प्रोसेस में है, पर ये भी एक OTT फिल्म है. और एक दूसरा प्रोजेक्ट है जो हम लोग 3-4 साल से डेवलप कर रहे हैं, वो मेरे लिए बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है. पैंडमिक के वजह से इनफैक्ट काफ़ी सारी बड़ी फिल्में और काफ़ी प्रोजेक्ट्स बिल्ट नहीं हो पा रहे. सो आई थिंक सो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम वेयर इट क्लिक्स. सो आई एम होपफुल दैट 2021 के अंदर ये दोनों फिल्में जल्द से जल्द शुरू हो जाए. और आई जस्ट वॉन्ट टू बी ऑनेस्ट इन टर्म्स ऑफ द स्टोरीज विच आई वॉन्ट टू सी. तो ओके निखिल, थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम निकाला, हमसे इतनी सारी बातें की. जाते जाते हमारे रेडियो प्लेबैक इंडिया के श्रोताओं के लिए कुछ ऐसा जो शायद मुझसे पूछना रह गया हो या आप कहना चाहते हैं, वो आप हमारे श्रोताओं से कह सकते हैं. साजिव जी, आई अंडरस्टैंड हमने पेंडेमिक के बारे में डिस्कस नहीं किया, बट द टाइम्स आर रियली टफ नाउ. इनफैक्ट अभी हम लोग सेकेंड वेव से बाहर आ चुके हैं. सो मैं ये कहना चाहूँगा कि लोग अभी भी लोग जितना हो सके लोग सेफ रहें, लोग एक दूसरे को हेल्प करें, और बस इससे हम जितना जल्दी सेफली बाहर आ सके, आई वांट टू प्रे दैट फॉर एवरीवन. जी निखिल, हम सबकी प्रार्थना यही है. हम सभी चाहेंगे कि ये सारी परिस्थितियां जो हैं बदलें और हम लोग एक बार फिर वापस पुरानी कंडीशंस पे आएं, ताकि आपके जो रचनाकर्म जो रुके पड़े हैं वो भी
फिर से शुरू हो और हमें आपकी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में आने वाले समय में देखने मिले, हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। Yeah.